हेलो डियर फ्रेंड्स, अब हमारा सीरीज चल रही थी अक्ष चार्ट के लिए, उसका मॉडल पेपर 5 देखिए भी किस प्रकार आपका एग्जाम में पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट का इस प्रकार आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है देयर वॉज हिज असिस्टेंट द लाइन, वहां पर लाइन में क्या है अभी उसका सहायक है, लाइन में है तो क्या आएगा अभी इन का प्रयोग होगा, देयर वॉज हिज असिस्टेंट इन द लाइन। अब ये क्या अभी व्हीकल्स पास फिटनेस टेस्ट आर इश्यूड सर्टिफिकेट्स। अब व्हीकल्स हैं, इसमें क्या है अभी आपको रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, यहाँ पर क्या अभी व्हीकल के लिए हुज हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए विच का प्रयोग होता है। याद रखना व्हीकल्स विच पास फिटनेस टेस्ट। अब यहां पर क्या अभी याद रखना, यहां पर कोई वस्तु हो, थिंग, या कोई एनिमल हो, जानवर हो, और यहां पर ब्रेक आएगा, यहां पर वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आपको यहां पर विच का प्रयोग करना है। सब प्रयोग करना है अभी विच। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूँ। आई लिफ्ट दिस टेबल, मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ। इसमें भी ऑप्शन मिलेंगे आपको चार, कैन, नीड, कुड और शुड। अब क्या अभी एबिलिटी दिखेगी इसमें, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग होगा, क्या होगा अभी कैन, मैं उठा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, ऐसी प्रकार के वर्तमान काल में हो ना तो कैन आता है, अगर भूतकाल में हो पास्ट टेंस में हो तो कुड आएगा। अब वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है अभी, यहाँ पर इजेमार का प्रयोग हुआ है, अगर यहाँ पर वॉज वर होता तो आप यहाँ पर कैन का कुड करते, ये भी जरूर पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड, आपको डिफरेंट साउंड चेक करना है। चार वर्ड दिए गए हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों को शेयर कीजिए। रियल, यहाँ पर देखो ई ए के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इनकी साउंड चेक करनी है आपको, रियल, फियर, डियर, रीच, ये रीच डिफरेंट है, यहाँ पर ई ए है वो बड़ी की मात्रा ध्वनि दे रहा है, यहाँ पर रियल, फियर, डियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मोबाइल पेमेंट, आजकल के अभी ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है, ऑनलाइन पेमेंट मोबाइल से कौन कौन से होते हैं, अभी पेटीएम होता है, फोन पे भी होता है, गूगल पे भी होता है, तो सैमसंग एक कंपनी का नाम है जो मोबाइल बनाती है, तो यहाँ पर सी डिफरेंट हो जाएगा, आपको मोबाइल पेमेंट से संबंधित नहीं उसको चूज करना है, तो सैमसंग आपका आंसर होगा। ये क्या है अभी सुनामी, स्पेलिंग थोड़ी चेक करना आ सकता है, टी साइलेंट लेटर है यहाँ पर, सुनामी पूछा जा सकता है साइलेंट लेटर के बारे में भी, यहाँ पर टी साइलेंट लेटर है। सुनामी इज ह्यूज सी वेव, एक बहुत बड़ी समुद्री लहर है, तो यहाँ पर ह्यूज बड़ी तो है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी ए आएगा, अगर यहाँ पर व्यंजन हो तो क्या आएगा अभी ए आएगा, स्वर है तो क्या आएगा अभी एन आता है, अब यहाँ पर व्यंजन है तो ए आएगा। द मीनिंग ऑफ वर्ड सोलिटरी, ये अच्छा वर्ड है, सोलिटरी होता है एकांत, अलोन भी क्या होता है अभी एकांत होता है, इसका सिमिलर वर्ड अलोन आएगा। पार्ट टू में देखिए भी, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 प्रश्न हैं, दो दो अंक के आएंगे, इसमें 4 वर्ड दिए गए हैं, इनको 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11 में लिखना है आपको। प्लेटफॉर्म जानते हो आप, नॉइज क्या होता है अभी, शोर होता है, हैंड हाथ होता है, जर्नी यात्रा होती है। इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन, यह मीना की प्रथम ट्रेन जर्नी थी, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 8 नंबर में क्या आएगा अभी, यहाँ पर 8 नंबर लगाओगे, यहाँ पर क्या लिखोगे अभी जर्नी। शी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द, वह बहुत उत्साहित थी एक बड़ी ट्रेन को कहाँ पर देखेगी भी, ऑन द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर 9 नंबर में क्या आएगा अभी प्लेटफॉर्म आ जाएगा। द ट्रेन मेड, ट्रेन करती है लॉट ऑफ, क्या करती है अभी शोर करती है, जब एज जैसे ही इट केम टू स्टॉप एट द स्टेशन,
सेशन के नज़दीक आती है, तो यहाँ पर 10 नंबर में क्या करोगे भी, नॉइज करोगे। और 11 नंबर क्या है अभी, मीना हेल्ड हिज फादर्स, मीना अपने पिताजी का हाथ पकड़े हुए थी, तो हैंड आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा अभी, हैंड। दे वॉक्ड ऑन द ट्रेन टुगेदर, ट्रेन की तरफ वो साथ साथ चले। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको प्लूरल फॉर्म लिखनी है, पॉलिसी मेमोरी, यहाँ दोनों ही स्पेलिंग सेम ही है, वाई आया हुआ है, वाई से पहले सी है, यहाँ पर आर है, तो वाई को हटाकर क्या लगाना है अपनों को भी, आई ई एस लगाना है। याद रखना वाई आए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो बहुवचन बनाते समय वाई को हटाकर क्या लगाते हैं अभी, आई ई का प्रयोग करते हैं, आई ई एस का प्रयोग करते हैं, क्या लिखेंगे अभी, पॉलिस, वाई हटा देंगे तो क्या करेंगे, पॉलिसीज, और मेमोरी में क्या करेंगे अभी, वाई हटा देंगे, आई ई एस मेमोरीज। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अभी, राइट द मिसिंग लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको मिसिंग लेटर लिखना है, छोटे हुए अक्षर लिखने हैं, ये क्या है अभी, रिपब्लिक शब्द है, गणतंत्र, यहां पर क्या है अभी, आर ई पब्लिक आई सी, क्या है अभी, रिपब्लिक में आर ई पी यू बी एल आई सी, रिपब्लिक, और यहां पर क्या है अभी, इंडिपेंडेंस, क्या है अभी, इंडिपेंडेंस, यहां पर भी ई आएगा और यहां पर भी क्या है अभी, ई आएगा, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिवस होता है ना ये, गणतंत्र दिवस होता है, दोनों स्पेलिंग मोस्ट याद कर लेना, रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अभी, पुलिस रिमेन अलर्ट एट क्रॉस रोड्स, पुलिस है वो जहां पर सड़कें क्रॉस होती हैं वहां पर अलर्ट रहती है, क्यों रहती है अभी, ताकि ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल्ड, यातायात उसको नियंत्रित किया जा सके, यहाँ पर सो देट आएगा, सो देट का अर्थ होता है ताकि, ये काम क्यों करते हैं अभी, इसलिए करते हैं, यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में क्या आएगा अभी, सो देट का प्रयोग होगा, ये काम किया जा रहा है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अभी, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, डेली टेक वी एक्सरसाइज, यहाँ पर कर्ता कौन है अभी, वी, वर्ब क्या आएगी भी, यहाँ पर टेक, वी टेक, हम लेते हैं, क्या लेते हैं अभी, एक्सरसाइज, अर्थात हम करते हैं डेली एक्सरसाइज, कब करते हैं अभी, डेली, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा अभी, डेली आ जाएगा, इस प्रकार लिखना है वो। दूसरा सेंटेंस देखिए अभी, सेंसेस हैव फाइव वी, हम पांच सेंस सेंसेस रखते हैं, हमारी जो इंद्रियां होती है ना वो कितनी होती है, पांच होती है, तो यहाँ पर कर्ता क्या है अभी, वी, वर्ब क्या है अभी, हैव, यहाँ पर फाइव है वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, ये इस नाउन से पहले आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, फाइव सेंसेस, नेक्स्ट देखिए अभी, 16 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रेक्स, इंश्योर सुनिश्चित करना, हैव रखना, मिक्स मिलाना, ड्रिंक पीना, इन चार वर्ड को यूज करते हुए दोनों में आपको अप्लाई करना है, फिटनेस ऑफ योर व्हीकल, तुम्हारे व्हीकल की जो फिटनेस है उसको सुनिश्चित करो, यहाँ पर क्या है अभी, इंश्योर आएगा, ऑलवेज ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर कहेगा भी रखने के लिए, होने के लिए कहेगा भी हैव का प्रयोग होगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।